हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना में इतवार की शाम बारिश से मुतालिक वाकयात में 6 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हुए। इसी दौरान हफीज पेट के साई नगर में एक मकान की शीट उड़ जाने और ईंटें गिरने से 3 साल मासूम बच्चे की मौत वाक़ हुई। 3 साल मासूम समद की मौत की खबर से इलाके में गम का माहौल हो गया। BRS के वर्किंग सदर KTR ने मुतासरा खानदान की आयादत की और मासूम की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और 1 लाख रुपए की माली मदद की। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बच्चा यहाँ पे सो रहा था, मत बोलो। क्या उम्र थे बच्चे? 3.5 साल बच्चे का। हाँ, 3.5 साल। आज सुबह हुआ कि कब गाड़ी पर आंदा नहीं आई तो बच्चे की बड़ी पूरा का पूरा डैमेज है। एक बच्ची वॉशरूम में बंद हो गया था, पूरा बच्ची को लगा गिरा ना, दरवाजे भी गिरा, बाहर से बच्चे खोले उसको, तीसरा अंदर से नहीं गया था, पूरा डैमेज हो गया। 3 बार हो गया इनका, फर्स्ट टाइम वाटर टाइम गिरा, सेकंड टाइम गिरा। यहाँ पे बच्चे रहते हैं, काम कर रहे थे, ऐसे तूफान आया, बच्चे लेके गए, बच्चा सो रहा था, छोटे से बाकी बच्ची को लगा एक वॉशरूम में बंद हो गया था, उसको पास से गिरा तो गिफ्ट से गिरा, बाहर से लक्की को हटलो, आपके अम्मी को बुलाओ, इनके फादर है वसीम भाई। वसीम भाई चलो, वसीम भाई अंदर आओ, वसीम भाई अंदर आओ, वसीम भाई अंदर आओ, मम्मी ये फादर है। मदर उनका ये मदर है, ये बंदी का काम करते हैं। अंकल का।